अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू ब्यूटी। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग फिट होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज के इस वीडियो में वर्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी बहुत प्यारे, बहुत ट्रेंडी और ख़ूबसूरत से कैजुअल वेयर फ्रॉक्स के डिज़ाइन, वुमेंस फ्रॉक के स्टाइल और भी बहुत सारे खूबसूरत से डिज़ाइन जो है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। कैजुअल ड्रेसेस हैं वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए। इसमें आप लोगों को शर्ट्स की स्टाइलिंग, प्रिंटेड कुर्ते, टू पीस स्टाइल और भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो है वो साथ साथ दिखाई देते जाएंगे। अब इसमें आपको प्रिंटेड कुर्तों की स्टाइलिंग मिल रही है। अगर आप लोग अपने विंटर में या फिर समर के लिए कोई भी थ्री पीस ड्रेस लेती हैं अनस्टिच, उसे आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से स्टिच कर सकती हैं, एक डिज़ाइनर लुक दे सकती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में मैंने जितने भी आइडियाज़, जितने भी स्टाइल आपको दिखाए हैं, सारे आपको बहुत यूज़फुल लगेंगे। अगर आप एक टेलर भी हैं तो वीडियो को गौर से देखें। जब आपके पास कस्टमर आते होंगे तो उनके लिए आप लोग ये डिज़ाइन यूज़ कर सकती हैं। अच्छे अच्छे डिज़ाइन देंगे तो नेक्स्ट टाइम भी आप लोगों के पास ज़रूर आएंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारे कैजुअल वेयर आउटफिट्स की डिज़ाइनिंग बहुत सारी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। जो लोग न्यू हैं, जिन्हें नहीं पता, उन्हें मैं बता दूँ कि मेरे चैनल पर हर किस्म के डिज़ाइनर आउटफिट्स, मेहंदी के डिज़ाइन, ब्राइडल ड्रेसेस, चाहे वो निकाह के हों, वेडिंग फंक्शन हो या फिर मेहंदी माइयों के लिए हो, ढोलकी के लिए हो, सारे खूबसूरत से आउटफिट्स मैं आपको अपनी वीडियोज़ में दिखाती हूँ, डिज़ाइनिंग आपके लिए लेकर आती हूँ, जिनको देखने के बाद आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना खूबसूरत सा डिज़ाइनर ड्रेस ख़ुद से बनवा सकती हैं। और इसके अलावा बाकी डिटेलिंग वीडियोस आप लोग होम पेज पे जाकर देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे जहाँ पर आपको मेरे चैनल का नेम शो हो रहा है उसे क्लिक कीजिएगा, होम पेज आ जाएगा। रिसेंटली वीडियोज़ को, अपलोडेड की वीडियोज़ को देखिएगा, सारी वीडियोज़ बहुत कमाल की हैं और आपको ज़रूर पसंद आएंगी। Thank you so much guys, see you soon with a new video, take care, keep supporting me and do subscribe my YouTube channel, Allah Hafiz.